ओम शांति। हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर चेन्नई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24। दिसंबर मास में एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस विंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं ट्रेनिंग रखी गई थी। आशा दीदी जी, हरीश भाई, डॉक्टर सचिन भाई पधारे थे। साइक्लोन के बावजूद भी तमिलनाडु के गवर्नर मिस्टर आर एन रवि ने वर्चुअल मीटिंग के द्वारा दो कैंपेन्स का उद्घाटन किया। टीचर्स के लिए दो दिवसीय ट्रेनिंग आयोजित की गई, जिसमें सारे भारत से 200 टीचर्स बहनों ने भाग लिया। तिरुवनंतपुरम केरला में बाबा के घर शिव चिंतन भवन की 13th एनिवर्सरी के अवसर पर गवर्नर ऑफ केरला श्री अरिफ मोहम्मद खान पधारे थे। केरला में बाबा की सेवाओं की गोल्डन जुबली भी मनाई गई। पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर श्रीमती तमिल ईसाई सौंदर राजन द्वारा यूथ विंग के Y20 प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई। इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन और इंटरनेशनल वेगन अलायंस के द्वारा नवंबर मास में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें 25 इंटरनेशनल 300 इंडियन डेलीगेट्स और स्पीकर्स ने भी भाग लिया। ब्रह्मा कुमारी शिवानी बेन मई मास में चेन्नई पधारे थे। अक्टूबर मास में कोयम्बतूर, ईरोड, तिरुपुर, पालघाट स्थानों पर भी पधारे थे। अनेक कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने लाभ उठाया। अन्ना यूनिवर्सिटी के साथ डिजिटल वेलबींग विषय पर ब्रह्मा कुमारी आईटी विंग के द्वारा अन्ना यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किया गया है। दिसंबर 6th को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रेजिंग डे फंक्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी मिस्टर इरय अनबू भी शामिल हुए। सितंबर मास में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग की तरफ से दो दिवसीय रिट्रीट आयोजित की गई। बॉम्बे से स्वामीनाथन भाई विशेष इस कॉन्फ्रेंस में आए थे। मई मास में बी के चिल्ड्रंस रिट्रीट 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 300 बच्चों ने भाग लिया। अक्टूबर मास में तमिल भाषा में 2 दिवसीय राजयोग शिविर अरेंज की गई, जिसमें 200 लोगों ने लाभ लिया। दिसंबर मास में किम्स हॉस्पिटल के सानिध्य में गर्भ संस्कार शिविर का एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। 50 गर्भवती महिलाओं ने भाग लिया। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त दिवस 18 जनवरी 2024 पर मधुबन के 4 धाम सजाए गए। जोन के ब्राह्मण परिवार के लिए जून मास में 5 ग्रुप्स में बठिया अरेंज की गई। मधुबन से आदरणीय रामनाथ भाई, प्रयागराज से आदरणीय मनोरमा दीदी, पंजाब से आदरणीय अनीता दीदी, पुणे से आदरणीय दशरथ भाई बठ्ठी कराने आए थे। लगभग 3000 भाई बहनों ने बठ्ठी में भाग लिया। जोन के समर्पित भाई बहनों के लिए द्रो ग्रुप्स में बठ्ठियां रखी गई थी। मधुबन से आदरणीय राजू भाई जी, अहमदाबाद से आदरणीय शारदा दीदी जी ने बहुत ही अनुभव युक्त ज्ञान की गहराइयों की बठ्ठियां कराई। युवा भाई बहनों के लिए 3 दिवसीय बठ्ठी रखी थी। मधुबन से ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बेंची ने सबको गाइड किया। वैकुंठ पीस गार्डन में एजुकेशन विंग द्वारा
टीचर्स शेप द वर्ल्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए भी कार्यक्रम रखा गया। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर वॉयेज ऑफ पीस इस कार्यक्रम में 45 इंस्टीट्यूट से 150 लोग शामिल हुए थे। इंटरनेशनल योगा डे पर एक दिवसीय योगा संगमम इस विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष शिव जयंती के अवसर पर सोशल मीडिया कैंपेन सारे जोन में चलाया गया, जिसमें विशेष बाबा का अवतरण और कर्तव्य के बारे में बताया गया। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम द्वारा शेयर किया गया। इसमें 1.5 करोड़ आत्माओं ने लाभ उठाया। साथ में ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन भी अरेंज की थी, जिसमें 3,500 बच्चों ने भाग लिया। सभी पार्टिसिपेंट्स को अप्रैल मास में सेंटर्स पर बुलाया जाएगा और प्राइसेस भी दी जाएगी। साथ में राजयोग शिविर भी आयोजित की गई है। ब्राह्मणों की स्व उन्नति के लिए विशेष अतिथि मलेशिया से आदरणीय राजयोगिनी मीरा दीदी जी ने क्लासेस कराई। ओम शांति। थैंक यू।